हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के मन में ब्रेस्ट पंप को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे इसे कैसे यूज करें, किन बातों का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उन 10 लकी विनर्स में से एक होना चाहते हैं जो हर फ्राइडे 500 रुपए का वाउचर जीतते हैं, तो बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट सेक्शन में वो वर्ड मेंशन करना है जो कि आपको इस वीडियो के बीच में नजर आए। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप को डाउनलोड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रेस्ट पंप? ब्रेस्ट पंप एक डिवाइस होता है जो लैक्टेटिंग मदर्स ब्रेस्ट मिल्क को निकालने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैनुअल। आप अपने कंफर्ट और यूज के अकॉर्डिंग करेक्ट ब्रेस्ट पंप चूज कर सकती हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्रेस्ट पंप। चलिए अब हम ब्रेस्ट पंप यूज करने के कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। इट सेव्स टाइम। ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करने से आप अपने बच्चों के दूध पिलाने का समय अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाकर उस समय अपना ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब दूध पंप किया जाता है और रख लिया जाता है, तब फैमिली मेंबर्स के लिए बच्चे की देखभाल करना और उसे दूध पिलाना आसान हो जाता है। इंक्रीजेस ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। पंपिंग करने से माओं की दूध की मात्रा बढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर आप दूध को फ्रीजर में रखकर स्टोर भी कर सकती हैं। तो टेक अ ब्रेक। क्योंकि मदर्स एक एक्स्ट्रा मात्रा के दूध को स्टोर कर सकती हैं, इससे उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उन्हें कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जाने, छुट्टी लेने और आराम करने का ज़्यादा मौका मिलता है। मैनुअल ब्रेस्ट पंप। मैनुअल ब्रेस्ट पंप्स में एक हाथ से सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इन ब्रेस्ट पंप की बेस्ट बात यह है कि वो सस्ते होते हैं, इस्तेमाल करने में आसान होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ईजी टू कैरी भी होते हैं। साथ ही ज़्यादा नॉइज भी नहीं करते। मार्केट में कई ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं, बट माइलो फील्स नेचुरल मैनुअल ब्रेस्ट पंप एक राइट चॉइस है जो आपकी लैक्टेशन जर्नी को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाता है। माइलो फील्स नेचुरल ब्रेस्ट पंप एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से उसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल और कम्फर्टेबल होता है। इसे ईजिली क्लीन और स्टरलाइज भी किया जा सकता है। ब्रेस्ट पंप के साथ ही फीडिंग बॉटल भी आती है जो बेबी के लिए सेफ BPA फ्री मटेरियल से बनी है और एंटी कोलिक निपल के साथ आती है, जिससे बेबीज को कोलिक प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा माइलो ब्रेस्ट पंप कॉस्ट इफेक्टिव है और यूजर फ्रेंडली भी है। टिप्स टू यूज मैनुअल ब्रेस्ट पंप करेक्टली। स्टरलाइज योर ब्रेस्ट पंप बिफोर यूज। अपने हाथ धोएं। पंप बॉटल और ब्रेस्ट पंप को यूज करने से पहले पानी में बॉइल करके स्टरलाइज करें। आप एक कंफर्टेबल जगह ढूंढें, एक रूम जहां का टेम्परेचर कंफर्टेबल हो, जहां पर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। मसाज योर ब्रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ब्रेस्ट को मसाज करना लेट डाउन रिफ्लेक्स में मदद करता है और ऐसा करके आप अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क को पंप कर पाएंगे। प्लेस द ब्रेस्ट पंप ओवर योर ब्रेस्ट। अपने निप्पल पर ब्रेस्ट शील्ड या फनल रखें और धीरे धीरे पंप करना शुरू कर दें। एक सक्शन मैकेनिज्म की तरह ब्रेस्ट पर प्रेशर बन जाएगा और कुछ मिनट्स के बाद दूध आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। स्विच ब्रेस्ट व्हेन मिल्क फ्लो डिक्रीजेस। अगर मिल्क फ्लो कम हो जाए तो अपनी दूसरी ब्रेस्ट पर आप स्विच कर सकते हैं। इससे आप पूरी क्वांटिटी में मिल्क पंप कर पाएंगे। रिमूव द ब्रेस्ट पंप आफ्टर यूज। आप पूरी तरह से मिल्क निकलने के बाद ब्रेस्ट शील्ड हटा दें और बॉटल पर एक लिड। ध्यान रखें कि इस तरह से स्क्रू उसका टाइट हो जाए और उसको लगा दें। उसे तुरंत ठंडा कर सकते हैं या फिर कम से कम 4-6 घंटे तक आप अपने रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद पूरे ब्रेस्ट पंप अपरेटस को स्टरलाइज करें। टाइमिंग ऑफ ब्रेस्ट पंप। न्यूबॉर्न बेबीज को हर 2 घंटे में फीड कराना जरूरी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना ब्रेस्ट पंपिंग शेड्यूल बना सकते हैं और बेबी के फीडिंग टाइम से पहले ही ब्रेस्ट पंप करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके भी कहीं रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा पंप कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप को करेक्टली यूज करके आप अपनी लैक्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि लो मिल्क सप्लाई से भी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप फ्रीक्वेंटली पंप करेंगी तो मिल्क भी ज्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।